Thank you.
ये रही, सुबह के समय होने के कारण मोनेस्ट्री का मुख्य द्वार बंद पड़ा हुआ था, वहां पर ताला लगे हुए थे। लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से जागने की कोशिश की और जो कुछ भी देखने को मिला वो आपके सामने है। उसके बाद मैं पहुंचा यहाँ के न्यू मोनेस्ट्री की तरफ। न्यू मोनेस्ट्री की यहाँ कई सारे वीडियोग्राफर वीडियोस बनाते हैं और फोटो क्लिक करवाते हैं, और हमने भी कुछ ऐसा ही किया। लेकिन दूर ऊपर की तरफ मुझे देखने को मिला कई सारे गुफाएं। कहते हैं किसी जमाने में कई सारे लामाओं ने यहाँ पर तप की है, अपनी सिद्धियां हासिल की है। लेकिन एक चीज और हैरान कर देने वाला था। ऊपर एक खाई पर लिखा हुआ था, ओम माने पद्मे हुम। इस तरह के काम बहुत ही सराहनीय होते हैं, लेकिन मौसम ने आज हमारा साथ नहीं दिया। ताबो के यहाँ से चेकआउट करने के बाद हम निकल पड़े सीधे टंकार मोनेस्ट्री की ओर। आप भी जब कभी स्पीति के ट्रिप में निकलें तो अपनी विश लिस्ट में टंकार मोनेस्ट्री को ज़रूर ऐड करें और यहाँ के लिए एक अलग से समय निकालें, क्योंकि यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है। टंकार मोनेस्ट्री पहुंचकर सबसे पहले हमने यहाँ के एक ढाबे में किए ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर हमने यहाँ के मोनेस्ट्री के दर्शन किए और फिर नज़रें दौड़ाई यहाँ के विलेज की ओर। सच मानो टंकार विलेज बहुत ही खूबसूरत है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पहुंचकर आप टंकार लेक तक जरूर जाएं, जो कि ऊपर की तरफ है। टंकार मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे लाहौल स्पीति का सब डिवीज़न काजा। लेकिन काजा में ना रुकते हुए हम निकल पड़े यहाँ के साइट सीन के लिए, और हमें एक्सप्लोर करना था एक बहुत ही खूबसूरत गांव लांगजा विलेज।
तो लांगजा विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद सामने कैफ़े है, कैफ़े हाउस, तो यहाँ पर चाय पानी करते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं कॉमिक के लिए। तो आज मौसम कुछ साथ नहीं दे रहा, अब क्या करें, जो है सो है, अब ऊपर वाला मेहरबान नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, मौसम आज साथ नहीं दे रहा। तो जी फिलहाल चाय पिया जा रहा है, और अगर आप स्पीति आते हैं तो लांगजा ज़रूर आएँ। लांगजा में होम स्टे की कोई कमी नहीं है, अगर आप देर रात यहाँ पहुँचते हो तो आपको ठहरने के यहाँ कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, और रोटी पानी जैसे खाना पानी जो होता है वो शायद जैसे भी यहाँ के लोग पकाते हैं वो आपको मिल जाएगा। अगर आप स्पेशली कुछ खाना चाहते हैं तो वो अपने साथ लेकर आएँ, यहाँ पर इन चीज़ों की फैसिलिटी नहीं होगी स्पेशल चीज़ों की, लेकिन ठहरने की यहाँ पूरी पूरी सुविधा है। अगर आप स्पीति कभी आते हैं तो लांगजा ज़रूर आए, ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है, और जितने भी यहाँ डेस्टिनेशन है आसपास के उन सभी डेस्टिनेशन में से एक ये डेस्टिनेशन ऐसा है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, तो लांगजा ज़रूर आए। मौसम साथ नहीं दे रहा आज, मौसम ने हमारी वाट लगा रखी है, वरना मज़ा आ जाता। इंद्रदेव से बातचीत करो भाई, इंद्रदेव से बातचीत करनी पड़नी सिफारिश लो महादेव से बोल के दूरबीन नंग दू तो जी थोड़ी दे मोमी दू, वो गाना याद आ रहा मुझे। कुल मिलाकर बहुत ही प्यारी जगह है, कपड़े हो गए गीले, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, और अभी हमने एक्सप्लोर करना है कॉमिक विलेज को, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा गांव बताया जाता है। तो जी हम पहुंच रहे हैं गाड़ी के पास, स्क्रीन पर लग गई है बारिश की बूंदें। ओके, तो चलते चलते रास्ते में एक स्टॉप लिया है, लांगजा गांव रह जाता है वहाँ पर, और यहाँ से आ रहा रवि, हमने कहा थोड़ा सा रास्ते के बीच रेस्ट ले लेते हैं और साथ ही साथ नज़ारों का मज़ा भी लेते हैं। तो चारों तरफ बहुत ही प्यारा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हम एवरेस्ट पे पहुँचे हुए हैं। तो रवि यहाँ से आ रहा है, तो उसके बाद ये रास्ता जाती है आगे कॉमिक के लिए, तो कॉमिक जस्ट अब नज़दीकी है, तो पहुँचते हैं कॉमिक। ओके, तो फिलहाल मैं और रवि पहुंचे हुए हैं दुनिया का सबसे ऊंचा गांव कॉमिक। वैसे तो पहले दुनिया का सबसे ऊंचा गांव उसे कहा जाता था जिसका नाम है किबर विलेज, लेकिन जब साइंटिस्ट लोगों ने सर्च किया तो पाया गया कि दुनिया का सबसे ऊंचा गांव जो है वो है कॉमिक। तो फिलहाल मैं और रवि पहुंचे हुए हैं कॉमिक, पी रहे हैं चाय। वैसे तो हमने चाय नाश्ता वगैरह कर लिया था, लेकिन जब यहाँ पहुँचे हुए हैं तो सोचा क्यों ना कुछ खा पिया जाए, तो चाय पी रहे हैं, और उसके बाद ही फिर दर्शन करेंगे यहाँ के पुराने मॉनेस्ट्री का, फिर उसके बाद आपको आसपास के जो नज़ारे हैं वो दिखाए जाएंगे। तो पहले पीते हैं चाय।
दुनिया का सबसे ऊंचा गांव कॉमिक को एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंचा हिकिम विलेज, जहां पर है एक पोस्ट ऑफिस। ओके, तो मैं पहुंचा हूं उस जगह पर जो कि सबसे ऊंचे स्थान पर बनाया गया है पोस्ट ऑफिस, और यहां पर लिखा हुआ है विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शाखा डाक घर हिकिम में आपका स्वागत है। तो ये सबसे ऊंचाई पर बनाया गया एक पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पर आपको इस तरह के पोस्ट बॉक्स मिलता है देखने को, बहुत ही बड़ा। वहाँ पर मैं अपना ये लेटर पोस्ट करने वाला हूँ अपने घर के लिए, तो जब कभी आप भी यहाँ से गुजरे तो अपने घर एक लेटर पोस्ट ज़रूर करें। हिकिम विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद हम पहुंचे दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा गांव किबर, लेकिन यहां पर बारिश हो रही थी जिस करके हम यहां के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, जहां पर हमने लंच करना मुनासिब समझा। ये मानकर चलिए कि किबर नाम के इस स्थान पर आपको अपनी चॉइस के अनुसार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिल सकता है। लंच करते ही हम पहुंचे सीधे चीचम ब्रिज। चीचम एक विलेज का नाम है, उसी के आधार पर इस ब्रिज का नाम रखा गया है चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर बनाया गया एक ब्रिज है, लेकिन यहां पहुंचते ही बारिश काफ़ी तेज हो चुकी थी, जिस करके अब हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसी भी जगह को अब हम सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हम पहुंचे यहाँ की मशहूर मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री की तरफ, लेकिन यहाँ पहुँचते ही बारिश और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और अब काफ़ी ठंड भी लग रही थी। की मोनेस्ट्री के यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने किए मोनेस्ट्री के दर्शन। उसके बाद हम मोनेस्ट्री से बाहर आए और हमने डिसाइड किया कि अब एक रूम लिया जाए, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी और ऐसे मौसम में अब ज़्यादा देर ठहर पाना मुमकिन नहीं था। तो गाइस, एक इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ, सो इसलिए शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि इन दिनों बरसातें चल रही है, तो आप किसी भी पहाड़ी एरिया में सफ़र ना करें। मैं और रवि हम चले थे शिमला से स्पीति के लिए, क्योंकि हमें ये बताया गया था कि स्पीति में जो है वो बारिश नहीं होती है, यहाँ अगर होता भी है तो सीधा स्नोफॉल हो जाता है, ऐसा कुछ हमने सुना था और लोगों ने कहा भी था। लेकिन शायद वो सच भी हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते शायद अब क्लाइमेट में चेंजिंग आ चुका है, तो इस करके भी शायद हो सकता है। जैसे कि पूरे देश में इस वक्त पहाड़ी इलाकों में बरसातें चल रही है, तो यहाँ पर भी पिछले कल दिन भर और रात भर और आज पूरे दिन भर बारिश हुई है। और आज हमने मुड नाम के एक प्यारे से डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना था, लेकिन बारिश के चलते हम कर नहीं पाए, तो फिर हमें अपना प्रोग्राम जो है वो चेंज करना पड़ा। हम शिमला वापस जा रहे थे अपना सारा प्रोग्राम चेंज करके, तो रास्ते में आगे चलकर हमने देखा कि एक जगह बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखा था, तो इस करके फिर हमें वापस आना पड़ा है इसी होटल में जहाँ पर हम ठहरे हुए थे, और होटल का नाम है शिला पीक। यहाँ जिनका ये होटल है ये बहुत ही मिलनसार है हमारे जान पहचान में, तो इन्होंने कहा कि भैया आप रिस्क ना लें, आज ही रुक जाएं। तो देखते हैं कल अगर मौसम साफ हो पाता है तो फिर यहाँ से निकलने का कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ हम तो फंसे हुए हैं, ना तो जा सकते हैं मनाली की तरफ ना जा सकते हैं शिमला की तरफ, दोनों तरफ से रास्ते जो है वो बिल्कुल बंद है। कहते हैं कि कुंजुम पास की तरफ बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रखा है और यहाँ कई जगह लैंडस्लाइड हो रखा है, तो दोनों तरफ से हम फंसे हुए हैं। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि
बारिश के दौरान कहीं पर भी यात्रा ना करें। ऐसा नहीं कि स्पीति खूबसूरत नहीं है, स्पीति बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन बरसात के दौरान ये खूबसूरती जान पर भारी पड़ सकती है। तो प्लीज़ बरसात के दौरान सफ़र ना करें।